तो तालिबान सरकार का आज पहला दिन है और उसका रोड मैप धीरे धीरे सामने आने लगा है। तालिबानी नेता हिबातुल्ला अखुनजादा ने बयान जारी करके कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान में शांति, तरक्की और विकास सुनिश्चित करेगी। साथ ही अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन और शरिया सुनिश्चित करने की बात कही गई है। अखुनजादा ने कहा कि इस्लामिक अमीरात से किसी को मुश्किल नहीं होगी और अपने बयान में अखुनजादा ने लोगों से अफगानिस्तान ना छोड़ने की अपील की है। और इस बीच तालिबान के शिक्षा मंत्री अब्दुल बकी हक्कानी का एक बयान सामने आया है। बकी ने कहा कि आज की तारीख में पीएचडी या मास्टर डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। अब देखिए, सत्ता में बैठे मुल्ला और तालिबानी के पास कोई पीएचडी, मास्टर डिग्री, यहां तक कि हाई स्कूल की भी डिग्री नहीं है, लेकिन वो इस मकाम तक पहुंच गए। अफगानिस्तान के हालात पर भारत की करीबी निगाहें हैं। आज देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने रूसी समकक्ष निकोले पेत्रुशेव से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद हो रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि विभिन्न द्विपक्षीय मसलों के साथ अफगानिस्तान पर भी चर्चा की जाएगी। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, कितने बजे इस मुलाकात का वक्त रखा गया है और क्या केंद्र बिंदु रहेगा इस अहम मुलाकात का? नेहा, रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दो दिन के भारत दौरे पर हैं और आज अजीत डोभाल के साथ उनकी बैठक होने वाली है। 11 बजे के आसपास का वक्त है और निश्चित तौर पर जिस तरह के अफगानिस्तान के हालात है उसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा बातचीत को लेकर, क्योंकि अब जिस तरह से तालिबान ने वहां पर सरकार बना ली है उसके बाद के जो हाथ हैं वहां पर दोनों के हित जुड़े हुए हैं, चाहे रूस की बात की जाए, चाहे भारत की बात की जाए, सामरिक तौर पर या दूसरे मुद्दों पर। इसीलिए ये भी बताना चाहूंगा कि कई वरिष्ठ अधिकारी भारत दौरे पर थे तो कोशिश यही की जा रही है कि वहां जिस तरह से तालिबान ने वहां पर सरकार बना ली है किस तरह से। ठीक है मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया।